हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप आप सभी अच्छे हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातु एंड अधातुएं, एंड लेसन नंबर थर्ड एंड पार्ट टू। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्ट वन जो है वो मैं बना चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मेनली दो या तीन टॉपिक। तो फर्स्ट वन जो रहेगा हमारा, वो होगा हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, या जिसे हम हिंदी में कह लें सक्रियता श्रृंखला। कौन कौन सी मेटल जो हैं, कितनी रिएक्टिव हैं या सक्रिय हैं। और उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड देखेंगे, या आयन के जो गुण होंगे वो देखेंगे। और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हाउ दे रिएक्ट, वो किस तरह से आपस में अभिक्रिया करते हैं, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। और साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट बीच में टॉपिक रहेगा हमारा बैलेंसिंग, या फिर हम जिसे कहें संयोजकता, मेटल्स की या नॉन मेटल्स की किस तरह से हम संयोजकता या बैलेंसी निकालेंगे, और उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का भी हम क्लियर करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, जो नए हैं, मैं उन व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी क्लास चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, सीधे हम टॉपिक के ऊपर आते हैं, सक्रियता श्रेणी, या फिर जिसे हम कह लें रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, तो मेनली यहाँ पे जो है एक आपको सारणी दी गई है, टेबल दिया गया है, जिसमें जो है आप देख सकते हैं सक्रियता श्रेणी की सूची, जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, स्थापन के प्रयोग के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया। सो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम देख ही रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे सक्रियता श्रेणी। ओके, तो अगर इंग्लिश में बात करें तो रिएक्टिविटी सीरीज ये एक ऐसी टेबल या श्रेणी है, जिसे हम धातुओं को क्रियाशीलता को अवरोही क्रम मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो इसको अरेंज किया हुआ है, एज ए रिएक्टिविटी या फिर सक्रियता श्रेणी के क्रम में। तो आप टेबल देख ही सकते हैं। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे मोटी चीज़ें देख लेते हैं जो हाईलाइट की हुई हैं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील या फिर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद जो है वो घटते हुए क्रम में नीचे है, और लास्ट में जो है सबसे कम अभिक्रियाशील। तो ये जो एक सारणी बनी है वो नीचे की तरफ जो है वो रिएक्टिविटी को घटते हुए क्रम में जो है वो अरेंज की गई है। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि हमारा पोटेशियम जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 और सिंबल एन ए। इसी तरह कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, हाइड्रोजन हो गया एंड कॉपर, तांबा हो गया, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, और लास्ट में जो है हमारा गोल्ड है, गोल्ड सोना है। सो डियर स्टूडेंट, देखो यहाँ पे क्या है, समझने वाली बात ये है कि पोटेशियम जो है सबसे टॉप पे रखा है, इट मीन्स दैट इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। ओके, तो ये जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, उसके बाद सोडियम है, और इस तरह से नीचे को जो है ये टेबल डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज किया गया है। तो लास्ट में गोल्ड एंड सिल्वर, यहाँ से हमें एक आंसर और मिल सकते हैं, इसीलिए गोल्ड और सिल्वर को जो है ऐसे आभूषण जो है लेडीज जो है वो यूज़ करती हैं, क्योंकि दैट इज लीस्ट रिएक्टिव विद ऑक्सीजन। तो ये रिएक्टिविटी शो नहीं करती हैं, बहुत कम करती हैं, और वैसे की वैसे ही बनी रहती हैं। और अगर हम पोटेशियम शरीर की बात करें तो ये एकदम से हवा या पानी में जो है वो आग पकड़ लेते हैं, इनको हम ऐसे नहीं रख सकते खुले में, तो इसको जो है वो कैरोसिन में रखा जाता है। सो नेक्स्ट देखें हम, तो इसके बाद जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो एक टॉपिक है रिएक्टिविटी को जानने से पहले। रिएक्टिविटी को हम अब थोड़ा सा जान चुके हैं, और उसके बाद जो है हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दैट इज़ द बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस। आप लोग नाइन्थ में भी देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम समझ सकते हैं। तो इससे जो है हमारा संयोजकता और बैलेंसिंग जो है वो चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पे मैं आपको एक, बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन फिर भी मैं उनको रिमाइंड करवा दूँ कि एक स्टोरी मैं आपको सुना दूँ, KLMN। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं कि KLMN ये जो हैं भाई हैं, दे आर ब्रदर, और ये जो है वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। इन्हें करना क्या होता है, किसी समझदार व्यक्ति एक डॉक्टर के पास ले गए और उन्होंने बोला कि हमें ट्रॉफियाँ बांटनी हैं, हम किस तरह से जो है अपनी एज या इसके अकॉर्डिंग जो है वो खा सकते हैं। तो डॉक्टर ने उन्हें क्या किया, डॉक्टर ने उन्हें 2n² का एक फॉर्मूला दे दिया। उस फॉर्मूले के अनुसार ही उनको बोला गया कि अगर आप इतने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी ट्रॉफियाँ या फिर कैंडीज खाओगे तो आपको कभी भी शुगर जो है वो नहीं हो पाएगी। तो इसमें KLMN का दूसरा नाम, हम अगर के को एक बोलें, एल को 2, 3, 4। ओके, तो पहला भाई जो है के है, के की वैल्यू हम एन में पुट करेंगे, एल की वैल्यू हम पुट करेंगे एंड एम की वैल्यू 3 हम एन में पुट करेंगे, यानी कि एन जो है वो हमने वैल्यू पुट करनी है, ये भाई है। तो अगर हम बात करें के की वैल्यू की, 2 × 1 कितना बना, 2, और अगर एम की बात करें 2 × 2 कितना बन गया, 8, और अगर एन की बात करें, ये आपका है L, ये है आपका K, और अगर बात करें हम N की, तो N है 3, क्या बनता है 18,
ये बना हमारा m, और इसी तरह जो है हम n की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू लगभग आएगी हमारा 32। तो वहाँ से डॉक्टर ने हमें क्लियर कर दिया कि भैया तुम लोग जो हैं वो KLMN जो हैं वो 2, 8 और 18 जो है टोपियाँ खा सकते हैं, इससे जो है आपको शुगर नहीं होने वाली। उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम एलिमेंट जो है अपने कोश जो हैं या जिन्हें सेल कह लें, वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान ये सारी चीज़ें जो हैं भरते हैं। फॉर एग्जांपल हम हीलियम लेते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो सबसे पहले भैया छोटा है K, तो K में हम मैक्सिमम भर सकते हैं 2, तो ये हमारा 2 एक आ गया 2। और अगर नियम की बात करें तो यहाँ एटॉमिक नंबर 3 है, तो K में हम भर सकते हैं, दे सकते हैं 2। और L कितना ले सकता है, इनके टोटल 10 डिवाइड करनी है, तो 2 और 8 10, तो ये आ गया हमारा 2 8 10। ओके, अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में क्या है, एटॉमिक नंबर सोडियम का है 11, और K में भरे जाएंगे 2, और KL में हम भर सकते हैं मैक्सिमम 8, तो 2 8 10। और अब आएंगे M में, तो M में भरेंगे 1, क्योंकि 2 8 10 1 11। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या जिसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहें, आप लोग पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे जो है वो संयोजकता भी हम निकाल सकते हैं। संयोजकता के मतलब हम संयोजकता से हम ये समझ सकते हैं कि ये अष्टक नियम किस तरह से पूरा करेगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ दे तो ये अपना अष्टक जो है पूरा कर पाएगा। ओके, तो दैट इज़ द सोडियम की जो है वो बैलेंसी 1 रहेगी, और ठीक वैसे ही मैग्नीशियम की बैलेंसी जो है 2 रहेगी, क्योंकि 2 8 10 2 12। अगर ये 2 छोड़ देगा तो वो अपना ऑक्टा रूल्स को फॉलो करेगा या फिर अष्टक नियम को फॉलो करने के लिए, वहीं से हम संयोजकता जो है वो Mg2 पॉजिटिव यानी कि 2 की निकाल सकते हैं। तो मेनली ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आप समझ चुके होंगे। तो फ्लोरीन की हम देख लें, क्लोरीन की हम देख लें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो K में 2 8 10 7 17। इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हम KLMN में भर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू 2n2। ये हमारा फार्मूला है जो कि एक डॉक्टर ने दिया था कि आप इस तरह से टॉपियाँ जो है वो बांट सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, यस अपनी क्लास। तो मैं नए व्यूअर से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप अपनी क्लास चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपनी क्लास लाइक करें, वीडियो अगर अच्छा लगे इस तरह से वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं। सो आगे हम देखेंगे धातुएं और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, किस तरह से ये जो है वो अभिक्रिया करती हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन मेन चीज़ें जो है वो मैंने हाईलाइट की हैं, हाईलाइटर से तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। संयोजकता कोश, संयोजकता बैलेंसिंग, संयोजकता कोश पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों का रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती हैं, इसलिए उन्हें अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोश को पूर्ण करने के लिए प्राकृतिक रूप से समझ सकते हैं। ये ठीक वैसे ही बात करता है जो मैंने पीछे आपको बताया है, समझाया है, वही चीज़ को यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। फॉर एग्जांपल सोडियम परमाणु के बाह्यतम, हम यहाँ पे सोडियम का ले लेते हैं, सोडियम है हमारा Na 2 8 10 1 11, ये है आपका KL और ये है आपका M। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सोडियम परमाणु कोश के केवल इलेक्ट्रॉन यदि अपने M कोश से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं तथा L कोश इसके बाह्यतम कोश बन जाता है। ओके, इसकी बात कर रहा है, बोल रहा है कि ये अगर इसको त्याग देता है यानी कि छोड़ देता है तो बाहरी कोश जो है वो L ये बन जाता है, L बन जाता है। ओके, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ रहा है, लेकिन आगे बता रहा है प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होने के कारण इसमें धन आवेशित की अधिकता होगी और सोडियम धनायन N पॉजिटिव प्रदान करता है। जी बिल्कुल सही है, अगर ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन देता है तो सोडियम के ऊपर Na पॉजिटिव मीन्स धनायन, N पॉजिटिव आयन, धनायन, इसे हम धनायन कहेंगे, तो ये बनेगा Na पॉजिटिव। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन, अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास 17, तो ठीक वैसे ही 2 Cl 2 8 10 7 17। तो इसका जो है वो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है तो इसका अष्टक नियम या फिर एक संयोजकता जो है या जिसे हम कह लें कि बैलेंसी जो है वो पूरी कर पाती है या ऑक्टा रूल को वो फॉलो कर पाता है। तो इससे जरूरत है छोड़ने की, सोडियम को छोड़ने की है, और इसे एक अगर ले लेता है तो ये एक अपना अष्टक नियम, अष्टक सिद्धांत या ऑक्टा रूल जो है उसको फॉलो कर पाएगा। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है क्लोरीन बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अष्टक पूर्ण होने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, यदि सोडियम तथा क्लोरीन अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम द्वारा त्याग किया गया इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, सोडियम के द्वारा छोड़ा गया जो है वो क्लोरीन जो है उसको ग्रहण कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश करता है, क्योंकि इसके नाभिकों में 17 प्रोटॉन हैं, इसके KLM कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे क्लोराइड ऋणायन यानी कि अब जो है क्लोराइड किसका निर्माण कर सकता है, Cl-। मैं एक चीज और आपको बता दूं कि यहां से आप एक चीज और समझ सकते हैं, Cl-। Cl के ऊपर ऋणायन आएगा, क्यों, क्योंकि जो भी कोई चीज़ लेता है तो उसके सर के ऊपर हमेशा ही आएगा ऋण, और जो कोई देता है देता वही, जिसके पास एक्स्ट्रा हो तो एक्स्ट्रा वही दे सकता है जो सक्षम हो। तो सोडियम यहाँ पे सक्षम है देने के लिए, उसके पास एक्स्ट्रा है, और क्लोरीन जो है वो सक्षम है लेने के लिए, तो उसके सर के ऊपर नेगेटिव। और एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ,
पॉजिटिव और नेगेटिव जब इकट्ठा होंगे तो वो एक यौगिक बनाएंगे या फिर एक तत्व बनाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए दोनों तत्वों के बीच निम्न प्रकार से आदान प्रदान का संबंध स्थापित करता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है आगे। जी हाँ, तो विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम अब आप लोग यहाँ से समझ चुके हैं कि सोडियम जो है वो सोडियम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है। क्यों है ये मैं अब आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम और क्लोराइड आयन आपस में परस्पर आकर्षित होते हैं, ओके, तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल बनकर एक सोडियम क्लोराइड आयन NaCl के रूप में उपस्थित होते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि एक विपरीत आयनों का एक समुच्चय है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जब होगा तो दैट विल बी एक अट्रैक्शन होगी, तो वो इकट्ठा होकर एक समुच्चय बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम जो चीज़ आपको बताई गई है वही चीज़ आपको यहाँ बुक में बताई है, सोडियम 2, 8, 1, 2, 8, 10, 11 और यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से छोड़ रहा है, और क्लोरीन का 2, 8, 7 और इसको एक लेने की जरूरत है, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है 2, 8, 8 और यहाँ पे इसका हो गया, और दोनों जो है वो ऑक्टा रूल को या फिर अष्टक नियम को जो है वो पूरा कर रहे हैं, और यहाँ पे सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन एक दे रहा है क्लोरीन को, तो यहाँ पे जो है फिर एक समुच्चय बन रहा है NaCl, और Na के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर नेगेटिव। तो यहाँ से जो है हमारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा मैं ये आशा करता हूँ। अगर फिर भी अगर आपको कोई कमी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, सुधारा जाएगा या फिर कुछ और तरीके से समझाया जाएगा। ठीक वैसे ही मैग्नीशियम का एग्जांपल है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 2, 8, 2, 12 तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो रहे हैं या छोड़ा जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसको अष्टक पूरा करना है, संयोजकता जो है मैग्नीशियम की 2, तो यहाँ पे Mg 2 पॉजिटिव, ओके, यहाँ पे क्लोरीन अगर आप देखें तो 2, 8, 10, 7, 17 एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको जरूरत है लेने की, ताकि ये अपना जो है वो अष्टक नियम को जो है फॉलो कर सके। तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन देने के, देखिए यहाँ पे लिखा है, तो एक जो है एक क्लोरीन को देगा और दूसरा जो है दूसरे क्लोरीन को देगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैग्नीशियम के पास 2 है, ओके, तो एक जो है यहाँ पे आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ दिया जा रहा है, और हमारे पास बन रहा है एक क्लोराइड का निर्माण हो रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है MgCl2, ओके, तो ये चीज जो है हमारी यहाँ से भी क्लियर हो रही है। सो नेक्स्ट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पॉइंट व्यू ऑफ योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एज वेल एज योर एनुअल एग्जाम, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। सबसे पहले तो हमें ये समझना है भैया कि आयनिक होते हैं क्या है, आयन्स, धन आयन, देखिए जिसके सर के ऊपर जमा और माइनस या ऋण और धनायन, धन टर्मिनल या फिर आप प्लस या माइनस कह लें, जैसे हम पीछे एग्जाम्पल ले चुके हैं NaCl, Na के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव, तो ये धनायन ही है, ओके, तो सोडियम जो है वो सोडियम का धनायन है आयन है, और क्लोरीन जो है वो क्लोरीन जो है क्लोराइन क्लोरीन का आयन्स है। तो ये चीज़ जो है हमें पहले क्लियर होने चाहिए कि एक्चुअली में आयन्स होते क्या हैं। तो यहाँ पे भी एक एक्सपेरिमेंटली आपको बताने की कोशिश की गई है, पॉजिटिव नेगेटिव, एक सिरा जो है वो पॉजिटिव का है धनायन का है, एक जो है ऋणायन का है, ओके, तो यहाँ पे हम क्रियाकलाप भी मोटे तौर पर देख सकते हैं, लेकिन हम मेनली जो है इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि क्या है और क्या नहीं है, इसके लिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। और उससे पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपनी क्लास में अगर आपको इस तरह के वीडियो और भी देखने पसंद हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। सो कुछ आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक, गलनांक एंड क्वथनांक जो है वो आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे कुछ गलनांक जो है वो या क्वथनांक जिन्हें हम कह लें मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जो है आपको यहाँ दिए गए हैं, गलनांक एंड क्वथनांक, तो ये आप रिमेंबर कर सकते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन है और कई बार NCERT या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे या फिर हम जिसे हिंदी में कह लें गुणधर्म कह सकते हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा भौतिक प्रकृति, फिजिकल नेचर, उसका क्या नेचर होता है, तो इसमें धन एवं ऋण आयन्स, ये आयन्स की बात कर रहे हैं हम, धन और ऋण आयन, यानी कि धन पॉजिटिव एंड ऋण जो है वो आपका नेगेटिव के नेगेटिव के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिकों का एक ठोस तथा थोड़े कठोर हो जाते हैं, इन्हीं के कारण जो है वो थोड़े से कठोर हो जाते हैं, और ये मान्यता है जो है भंगुर यानी कि भुरभुरे होते हैं तथा दाब डालने पर ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो अगला है हमारा, अगली प्रॉपर्टी है गलनांक या क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट या फिर हम बॉइलिंग पॉइंट हम इसे कह सकते हैं। तो आयनिक यौगिकों का जो मेल्टिंग पॉइंट है या फिर बॉइलिंग पॉइंट है वो अक्सर बहुत अधिक होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत इसमें क्या होता है एक्चुअली में अंतर आयनिक आकर्षण बल, जब आयन्स आपस में इकट्ठे होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव जब इकट्ठे होंगे इट मीन्स उसमें एक फोर्स होगा, तो वो अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए जो है वो इनका जो है मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा घुलनशीलता या फिर
घुलनशीलता किस तरह से ये डिजॉल्व होता है या नहीं होता। तो वैद्युत संयोजक यौगिक मान्यता जल में घुलनशील होते हैं, ओके, ये जल में जो है वो घुलनशील होते हैं, लेकिन कैरोसिन पेट्रोल जैसे बिलाइकोम या सॉल्वेंट्स में ये क्या होते हैं, अविलय, अविलय मींस ये नहीं घुलते हैं, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा विद्युत प्रॉपर्टीज नंबर 4, विद्युत चालकता, इज इट कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक या कंडक्टर है या नहीं है। किसी विलयन में विद्युत चालन के लिए बोला आवश्यक आवेशित कणों की गतिशील आवश्यकता होती है, किसी को भी अगर इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करना है तो इट मीन्स आयंस जो है उनमें थोड़ी बहुत जो है वो मूवमेंट होनी चाहिए, तभी जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो पास हो पाते हैं। तो यहाँ पे जलीय विलयन में आयंस उपस्थित होते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं, यानी कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिकों का विद्युत का चलन नहीं कर पाते, ओके। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़ी सी समझने के लिए, अगर आयन जो है ठोस होंगे तो उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करने के लिए स्थान नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें पास नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर वही चीज़ जो है गलित अवस्था या लिक्विड में होगी तो क्या होगा, तो वो जो है वो इसके विपरीत जो है वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ सकता है, और साथ में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस की मूवमेंट हो पाएगी और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसका जो है चालन कर पाएगा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, अगर वो लिक्विड में होगा तो नेचुरली उसमें करंट पास हो सकता है, अगर वो सॉलिड में है तो मुश्किल होगी थोड़ी सी, ओके। तो ये मेन चीज़ है यहाँ पे समझने के लिए। सो नेक्स्ट आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, जी हाँ, नेक्स्ट है हमारा अपनी क्लास। तो एक बार मैं किसी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, नेक्स्ट पार्ट जो है वो 2 या 3 टॉपिक इसके आके आएंगे, तो उसके लिए जरूर अपना चैनल, अपनी क्लास चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।